महिला सशक्तिकरण प्राधिकरण जिला पाली में सेवाएं दे चुकी ग्राम समन्वय को संविदा कर्मी के क्षमा आयोजित करने और 2 वर्ष का टीए दलवाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण प्राधिकरण जिला पाली और महिला समन्वयक ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर अंशदीप को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में समन्वयक खुशबू ने बताया कि हम पिछले 6 सालों से मन लगाकर काम कर रहे थे और सरकार की जन कल्याण योजनाओं के बारे में काम करते हैं। ग्रामीण महिलाओं को योजनाओं का लाभ दिलाया और उसे जागरूक भी किया, लेकिन सरकार द्वारा 2018 में हमें हमारी सेवा से कार्य मुक्त कर दिया गया और पिछले 2 साल से हमारा टीए भी बकाया है। हमने कई बार इसकी सूचना विभाग के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को भी दी है। संवाददाता मुकेश राजा की रिपोर्ट। 2013 में जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस समय आदरणीय सोनिया गांधी जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट मिशन पूर्ण शक्ति शुरू किया था, जिसकी शुरुआत 2012 में पाली जिले से हुई थी। उस समय मैं पाली पंचायत समिति में प्रधान थी और सुमेरपुर विधानसभा से आदरणीय बीना कागजी महिला एवं बाल विकास मंत्री थे, तो उनके निर्देशानुसार जो ये पायलट प्रोजेक्ट है पाली जिले की 300 ग्राम समन्वयकों में लागू हुआ था, जिसको उन्होंने मिशन पूर्ण शक्ति नाम दिया था, जिसके तहत पाली जिले की 300 ग्राम पंचायतों में हर पंचायत में 2-2 ग्राम समन्वयकों की नियुक्ति हुई थी और एक प्राधिकरण बना था, जिस प्राधिकरण की मैं स्वयं भी मेंबर थी। अब क्या चाहते हैं अभी? इन महिलाओं ने 6 साल सरकार में काम किया और हर ग्राम पंचायत में महिला सशक्तिकरण के लिए जो सरकार की योजना है महिलाओं के लिए, उन पर काम किया, लेकिन 6 साल इन्होंने जो काम किया उसके बाद इनको निकाल दिया गया। तो इनकी ये मांग है कि सरकार इनकी जो नियुक्ति है वो संविदा कर्मियों की तरह माने इनको भी, और इनका जो 2 साल का टीए और डीए बकाया है वो इनको मिले। और इसके अलावा ये लोग चाह रहे हैं कि हमने जब पूरी मन से निष्ठा से काम किया तो दूसरों को तो संविदा पे माना गया, लेकिन इनको इतने साल काम करने के बावजूद निकाल दिया गया, तो इनको वापस भर्ती किया जाए और इनका जो 2 साल का टीए डीए है और कुछ ग्राम समन्वयकों की सैलरी भी बाकी है वो इन्हें मिले। आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हमारी समस्या ये आ रही है सर, सरकार चाह रही है जितनी भी संविदा कर्मी है उनको समायोजन किया जाए, उनको नियमित किया जाए। तो सर हमने भी 6 वर्ष में काम किया है, सारे विभाग भी काम किया है, तो हम भी चाहते हैं कि हमें भी संविदा कर्मी में समायोजन करके हमें भी नियमित किया जाए। तो आपने जो काम किया उसके बता रहे कि टी ए डी ए 2018 से बाकी है, तो वो भी अभी तक भुगतान नहीं हुआ? अभी तक हमारा टी ए का भुगतान नहीं हुआ। तो इससे पहले 2 साल के अंतराल में कोई प्रयास किया आपने? प्रयास किए थे सर, लेकिन वो भी विफल हो गए। हम कोर्ट से स्टे लेके आए थे, लेकिन फिर 10 महीने के बाद में हमारा स्टे खारिज हो गया था। अच्छा। उसके बाद से हम सब घर ही रह गए। तो आज सर हम ये चाहते कि 6 वर्ष हमने इतना अच्छा काम किया, पूरी ईमानदारी से निष्ठा से काम किया, मेहनत से काम किया है, तो थोड़ा बहुत लाभ हमें भी मिलना चाहिए। कम सैलरी में कोई काम नहीं करता, उसने कम सैलरी में हमने काम किया, क्योंकि हमारा टीए वगैरह रोक लिया, कह रहे बजट नहीं आया, ये नहीं आया। नहीं, जब आप संविदा कर्मी को दूसरों को नियमित कर रहे हो तो फिर हमने भी तो 6 वर्ष काम किया है और हमें अनुभव भी है इस काम का, तो फिर हमें भी नियमित किया जाए, हम महिलाओं के साथ ही आप अन्याय। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन।